नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ। और आज अष्टमी है, आप सभी दर्शकों को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हम बात करेंगे माँ महागौरी की महिमा और कृपा के बारे में और पूरे आलोचना के बारे में। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कन्या पूजन, भोजन और अष्टमी की शाम को ही संधि पूजन किया जाता है। इन सभी बातों की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शास्त्री आलोक दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ महागौरी की क्या महिमा है, क्या कृपा है। ये माँ महागौरी दुर्गा की आठवीं रूप है, जो कि सभी देवियों से प्रसिद्ध है। और महागौरी गौरव वर्ण की है। आठवीं शक्ति महागौरी आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ और निशुंभ का वध इन्हीं ने किया था, क्योंकि देवता उनसे पराजित हो चुके थे। तब जाकर माँ महागौरी का आराधना किए, तब माँ महागौरी ने अपना दुर्गा अवतार लेकर शुंभ और निशुंभ का वध किया। बिल्कुल, जिस तरीके से हम माँ महागौरी की महिमा जान रहे हैं, कृपा जान रहे हैं, हम जानेंगे कि आज के महाअष्टमी में हम देखते हैं कि लोग मंदिरों पर जाते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन इस वर्ष COVID-19 की वजह से वैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के लोग जो है वो पूजा मंडपों पर जा रहे हैं और बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। आप सभी घर पर रहिएगा, घर से रह करके टीवी के माध्यम से देखिए, जितना हो सके वर्चुअल के माध्यम से इकट्ठा नहीं होइएगा, समूह मत बनाइएगा। हम बातचीत करेंगे कि पुष्पांजलि दिया जाता है और लोग नए कपड़े पहनते हैं पूरे पूजा में ही, और अष्टमी के दिन खास तौर पर लोग मंदिरों पर जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो इसके विषय में क्या कहेंगे। आज शनिवार के दिन सुबह 11:28 तक अष्टमी है, उसके बाद नौमी लग रहा है। तो अष्टमी और नौमी जिस समय लगता है उसे संधि पूजन कहते हैं। अच्छा। उसी टाइम संधि पूजन होता है और माँ का नवरात्रि व्रत का होम, उसके बाद कन्या पूजन करके और कन्या को तिलक चंदन लगा के वस्त्र आभूषण प्रदान करके उन्हें भोजन कराया जाता है। बिल्कुल, ये चर्चा जो है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि किस तरीके से आज माँ को भोग में क्या चढ़ाया जाए, कौन से रंग की पुष्प चढ़ाई जाए। माँ महागौरी को पीले फूल का सबसे सुबह स्नान ध्यान करके दीपक और अगरबत्ती जला लें। सुबह माँ का एक फूल लेकर, लाल फूल लेकर ध्यान करें जी। फिर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पण करें। आज के दिन माँ का श्रृंगार चढ़ाएं, जो भी है बिंदी, चूड़ी, लहठी, सिंदूर, वो अर्पण करें माता को। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करें। उसके बाद माता का आज विशेष जो है भोग है नारियल। अच्छा। नारियल अर्पण करें और नारियल से बना हुआ भोग जो भी हो वो माता को बहुत ही प्रिय है। यानी कि आज विशेष तौर पर माँ को आप भोग लगाना चाहते हैं तो नारियल आप भोग लगा सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि माँ महागौरी की बीज मंत्र क्या है। माँ महागौरी की बीज मंत्र ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, ये वर देने वाली देवी है, इसलिए यही इनका बीज मंत्र है। बिल्कुल, तो ये हम जान रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ पूजा अर्चना की जाए, क्या विधि है। और जैसे कि पंडित जी बता रहे कि 10:28 तक 11:00 है, 11:28। अच्छा, माफ कीजिएगा, 11:28 तक अष्टमी है और उसके बाद लेकिन 29 मिनट, 11:29 से नवमी लग जाएगी। संधि पूजन के बारे में आप बता रहे थे, अगर कुछ बताए जी। उसमें संधि पूजन में विशेष करके अगर 108 दीपक जलाएं जी, माँ को 108 कमल पुष्प अर्पण करें, या 108 अड़हुल का फूल माँ महागौरी को अर्पण करें, या 108 कनेल का फूल माँ को अर्पण करें, तो माँ
महागौरी विशेष ही वर देती है जी जी। और संधि पूजा में जिस तरीके से 108 दिए आप जलाने की बात करें तो वो तेल की होगी घी की होगी? अगर शुद्ध सरसों का तेल मिले तो बहुत ही माँ गौरी को प्रिय है जी। नहीं तो गाय का घी प्राप्त हो तो उसमें जलाएं और भी शुद्ध है। यानी कि संधि पूजन जो है वो आप 11:30 बजे लगभग कर सकते हैं अपने अपने घरों में और माँ को और भी मना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे 12 राशियों में से 6 राशि के राशिफल और उसके बाद हम कन्या पूजन और भोजन के बारे में विशेष जानकारी देंगे जी। ये राशि है, प्रथम राशि मेष राशि वाले जातक महागौरी को लाल फूल और नारियल का भोग अर्पण करें तो उन पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। दूसरा राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक महागौरी को सफ़ेद चंदन अर्पण करें और सफ़ेद फूल चढ़ाएं तो उन पर माता की कृपा विशेष बनेगी। मिथुन राशि वाले जातक माता को केला अर्पण करें, धूप कपूर से पूजन करें, साथ में ओम शिव शक्ति नमः मंत्र का 108 बार जप करें तो विशेष ही कृपा आएगी। और कर्क राशि वाले जातक माता महागौरी को बताशा और दही का अर्पण करें और महालक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें तो माँ विशेष ही प्रसन्न होगी। सिंह राशि वाले जातक माता महागौरी को तांबे के पात्र में रोली चंदन केसर और कपूर से आरती उतारें तो माँ बहुत ही उन पर विशेष कृपा प्रदान करेगी। और कन्या राशि वाले जातक माता महागौरी को गंगा जल अर्पण करें और नवारण मंत्र का जप करें तो विशेष ही कृपा प्रदान करेगी माँ महागौरी। अगर इस नवारण मंत्र जो आप बता रहे हैं कैसा जी है, अगर वो आप बता दिए। ये नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये माता महागौरी का नवारण मंत्र, बीज मंत्र जी। तो इसे किस माले से इसे जपना चाहिए? ये रक्त चंदन की माला से अगर जप करें, 108 जप करें तो बहुत ही फलदायी है। और माँ महागौरी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक विकास तुरंत ही करती है। बिल्कुल, तो हम जान रहे हैं कि माँ महागौरी महाअष्टमी के दिन माँ की कृपा महिमा जान रहे हैं, पूजन विधि क्या कुछ है, संधि पूजन के विषय में पंडित जी ने आपके विशेष जानकारी दी। अब हम जानेंगे कि कन्या पूजन जो है उसकी मान्यता क्या है। देखिए, कन्या पूजन की मान्यता है कि नौ कन्या का हम पूजन करते हैं। जैसे हम लोग प्रतिपदा से ये जो माँ का रूप दिखा रहे हैं नौ रूप, तो उसी नौ रूप में हम लोग नौ कन्या का पूजन करते हैं। साथ में एक लड़के को भी खिलाते हैं जिसको भैरव रूप में मानते हैं जी। जी, इससे माँ नवरात्रि का व्रत जो है हमारा पूर्ण होता है, सफल होता है। माँ बहुत ही प्रसन्न होकर पुत्र पौत्र धन संपत्ति के आशीर्वाद देती है। बिल्कुल, जो नहीं जानते कि माँ को इस भोग में, इस कन्या पूजन में क्या कुछ भोग दिया जाए तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो माँ कन्या पूजन में सुबह में अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाएं और चना और पूड़ी और खीर, ये कन्या पूजन के लिए विशेष माँ का प्रसाद है। और हलवा भी? हाँ, हलवा भी बना सकते हैं, बनता ही है। बिल्कुल, तो ये सभी जो प्रसाद है वो माँ को अर्पण करके जो भी नौ कन्या आएंगी और साथ ही साथ एक भैरव देव को आप बिठा करके आप उनको खिला सकते हैं, जिमा सकते हैं। और उपहार स्वरूप अगर हम बात करें तो क्या देना सबसे उत्तम होगा? बच्चों को उपहार स्वरूप मिठाई अर्पण करें, खिलौना अर्पण करें और हो सके तो वस्त्र अर्पण करें या फिर जो क्षमता हो। हाँ, जो ऐसी क्षमता हो, क्योंकि बच्चे उसी से प्रसन्न होते हैं जो उन्हें प्रिय लगता है। बिल्कुल जी, तो ये सभी बात जो है वो हम जान रहे हैं आज महाअष्टमी के दिन पर। अब लेते हैं बाकी के 6 राशियों का राशिफल। ये 7वां नंबर राशि है तुला राशि।
तुलाधार शिवालय जातक महागौरी को लाल चुनरी अर्पण करें और कपूर अर्पण करें, देसी घी में बना प्रसाद माता को चढ़ाएं तो बहुत ही विशेष कृपा प्रदान होगी। वृश्चिक राशि वाले जातक को माता महागौरी को गुड़ और चंदन के साथ पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो विशेष ही कृपा प्रदान करेगी माँ। नौवा राशि धनु राशि है, जो धनु राशि वाले जातक माता महागौरी को केसर पीले फूल और तिल का तेल अर्पण करें, रोज़ श्री राम रक्षा स्त्रोत का उनके सामने पाठ करें तो माँ विशेष ही कृपा प्रदान करेगी। दसवा राशि मकर राशि वाले जातक महागौरी को सरसों का तेल दिया कुमकुम अर्पण करें, भोग में माँ को उड़द से बनी मिठाई या हलवा चढ़ाएं तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। कुंभ राशि वाले जातक माता महागौरी को पीला फूल और तेल का दीपक और फल अर्पण करें, हर रोज देवी कवच का पाठ करें तो माँ विशेष ही उन पर कृपा बनाए रखती है। मीन राशि वाले जातक माता को महागौरी माता को केले के साथ पूजन करें और नवरात्रि में हर रोज बीज मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो माँ बहुत ही उन पर प्रसन्न होती है। तो बिल्कुल आज महाअष्टमी है, माँ महागौरी के आठवें स्वरूप की हमने चर्चा की, बातचीत की और पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो हमने आपको दी। साथ ही साथ संधि पूजन और इसके साथ कन्या पूजन किस तरीके से किया जाए, क्या विधि है और क्या उन्हें उपहार दिया जाए, भोजन में क्या खिलाया जाए और 12 राशियों के जो राशि फल है वो भी हमने लिए कि किस जातक को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। साथ ही साथ जो जिन्हें अपनी राशि फल नहीं पता उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिन्हें अपनी राशि फल नहीं मालूम है वो माँ को विशेष में नारियल से बना प्रसाद और उड़द से बना प्रसाद माँ को अर्पण करें और खड़ा नारियल, जटा नारियल जिसे बोलते हैं, उसे अर्पण करें तो माँ बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। और बेलपत्र का माला अर्पण करें माता महागौरी को। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमें समय दिया। जय माता दी। जय माता दी। और आगे आप लेकिन देखते रहिए एसके लाइव और कल फिर माँ के नवे स्वरूप के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। वंडरफुल प्लेस ऑफ एजुकेशन इकफाई यूनिवर्सिटी सिक्किम, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, कॉम्प्रिहेंसिव मोड ऑफ लर्निंग, वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल प्रोग्राम्स विल गिव यू विंग्स टू योर क्रिएटिव थॉट्स। Enter with aspiration. Get educated with inspiration. Acquire a wonderful career with perfection. इकफाई यूनिवर्सिटी सिक्किम। आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। अप्लाई फॉर 3 ईयर AICTE अप्रूव्ड एंड MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्रीश्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्रीश्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है।